बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन सब्जी। चिकन सब्जी नॉर्मली जो है वो कोयलों पे बनाई जाती है। कोयलों के गिर्द सीख में इसको लगा के और फिर ज़मीन के अंदर उसको गाड़ देते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता उस कोयले की जो स्टीम होती है या जो उसकी तेज़ी होती है उससे ये सिकती है। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है हम घर में बना रहे हैं तो हमारा प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उस हिसाब से मसाले हमारी कोशिश है कि हम पूरे वही इस्तेमाल करें जो चिकन सब्जी में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन ये कि बाकी जो प्रोसीजर है वो हम उसको ओवन में करेंगे, तो ये दो तीन स्टेप्स के अंदर होगा और मैं आपको फिर इसी हिसाब से उसको दिखाता जाऊँगा। तो आपको चिकन सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले तो होल चिकन चाहिए। इसकी मैंने आपको टिप हमेशा से बताई है, दोबारा बता रहा हूँ कि आप चिकन को पानी में अच्छे से डिप करके इसमें एक टेबलस्पून नमक डाल के और इसको रात भर के लिए छोड़ दें, तो आप देखें उससे नरम कितना नरम गोश्त हो जाता है। अभी मैं इसको इसकी टांगे भी नहीं बांध दूंगा, ये जब हम इसको रखेंगे ओवन में तो उस वक्त हम इसको बांध देंगे, क्योंकि अभी हमने इसको मसाला लगाना है तो हम इसको एज इज लगाएंगे। तो आपने एक चिकन के अंदर एक टेबलस्पून नमक डाल के उसमें इतना पानी डालना है कि उसमें डूबी रहे, उसको रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन उसको अच्छे से वॉश करके और उसको इस तरह से आप ऐसे कट लगा लीजिए ताकि आपका मसाला अंदर तक अच्छे से पी जाए। बाकी जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून आपको तेल चाहिए। नमक जो है वो अभी हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम नमक इसमें डाल चुके हैं तो इसलिए अभी हम कम नमक डालेंगे, और मसाले में भी नमक होता है तो इसलिए जो है वो नमक हम थोड़ा सा ख्याल करेंगे। ये हमने लिया है आमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर जाएगा। इलायची पाउडर है, ये भी 1 टेबलस्पून जाएगा। ये जो है वो सूखा अदरक सौंठ जो है वो भी 1 टेबलस्पून जाएगा। ये हमने जो है वो लेमन जूस लिया है, ये भी तकरीबन 7 से 8 टेबलस्पून जाएगा। काला नमक 1 टेबलस्पून होगा। ये काली मिर्चें जो है वो क्रश्ड है, ये थोड़ी आपने मोटी मोटी वाली लेनी है, ये हम अभी लगाएंगे। और ये साबित काली मिर्च, ये भी आपको 1 टेबलस्पून चाहिए। साबित धनिया भी 1 टेबलस्पून चाहिए और साबित जीरा भी आपको 1 टेबलस्पून चाहिए। अच्छा, ये जो मसाले हैं जीरा धनिया काली मिर्च काला नमक ये अदरक पाउडर आमचूर पाउडर और ये इलायची पाउडर, ये सारा मसाला जो है ये हम जो साबित वाले हैं जैसे जीरा धनिया और काली मिर्च इसको भूनेंगे और फिर इन इसको पीस के ये चीजें हम इसमें मिक्स कर देंगे। और ये मसाला जो है ये अभी इसमें लगेगा, जिसमें तेल लेमन जूस कुटी हुई काली मिर्च और नमक ये हम इसमें अभी लगाएंगे और इसको हम रात भर के लिए छोड़ेंगे और फिर कल फिर हम अगला प्रोसेस करेंगे तो फिर आपको बाकी प्रोसेस दिखाएंगे। और क्योंकि हम सब्जी बना रहे हैं तो हमें इसमें एक कोयले का इसमें हमें एक इम्प्रेशन देना है, तो हम कोयले की इसमें आखिर में धुनी भी देंगे। तो ये बड़ी आसान होती है घर में, आप बहुत आराम से इसी तरह से आप बकरे की भी बना सकते हैं, इसी तरह से आप बीफ का एक पीस लेके उसकी भी बना सकते हैं, लेकिन चिकन की जो है वो बहुत मजे की बनती है और बड़ी क्विक बन जाती है। तो चले फिर हम अपना प्रोसेस कुकिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका मसाला बनाऊंगा, तो ये मैंने इसके अंदर डाला लेमन जूस और ये मैंने इसमें डाली काली मिर्च, 1/2 चम्मच जो मैंने आपको नमक दिखाया था टीस्पून वो डाला है, ये मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो लहसुन डाला, ये मेरे ख्याल है मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था क्योंकि ये बॉटल में था तो मैंने इसको निकाला नहीं था इसमें। और इसी तरह से हम इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून जो है अदरक ये डालेंगे और तेल ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एक मसाला जैसे बनता है उस तरह से इसको बना लीजिए। ये देखें इसको आपने ऐसे इसका मसाला बना लेना है, ये मसाला पूरा मिक्स हो गया है। यह आप इस तरह से बनाइए, आपको बहुत मजे की लगेगी सब्जी जो है। अब हम इसमें ये चिकन डाल देंगे और अब ये सारा मसाला हम चिकन में खूब अच्छे से लगा देंगे। ये हमने इसमें अच्छे से देखें इस तरह मसाला सारा जो है वो लगा दिया है, अंदर बाहर बहुत अच्छे से आपने लगाना है। अब हम इसको जो है इसी अभी हम इसकी टांगों को नहीं बांधेंगे, जब हम इसको ओवन में रखेंगे उस वक्त हम इसको बांधेंगे, तो और ऊपर से फिर हम इसके अंदर अल्मीनियम फॉइल भी लगाएंगे। तो अब बस हम इसको इसी कंडीशन में इस तरह से करके और बंद करके अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगा रात भर के लिए,
और फिर मैं आपको कल दिखाऊंगा जब हम इसको ओवन के अंदर रखेंगे। चिकन सब्जी में हमने मसाला लगा के इसको, मैंने आपको जैसा कि दिखाया था, रात में रख दिया था। अब हमने इसकी टांगे इस तरह से बांध दी है धागे से, इसको आप इस तरह से बांध दीजिए ताकि जब ये बे रोस्ट होगी इसमें ओवन में जाके तो फिर इसका यही शेप बन जाएगा। अब हम इसको जो है अल्मीनियम फॉइल लगा के और इसको ओवन में रखेंगे तकरीबन 45 मिनट से एक घंटे तक, और इसको हम पलटेंगे भी, तो जब ये एक साइड से हो जाएगी तो हम इसको पलट देंगे, फिर दूसरी साइड दोबारा कर देंगे। पहले हम इसका नीचे वाला जो ग्रिल का नीचे हिस्सा होता है ओवन का, वो ऑन करेंगे ताकि ये नीचे से पके, और एंड में जब हमें सिर्फ इसको कलर देना होगा तो हम इसको ऊपर से थोड़ा सा ग्रिल करेंगे। उसके अलावा ये कि आखिर में मैं इसमें कोयले की भी धुनी दूंगा, क्योंकि ये सब्जी है तो सब्जी में हम कोयले का एक इफेक्ट देंगे, तो इसके अंदर आखिर में हम कोयले की धुनी भी देंगे। तो मैं अब इसको ओवन में रखता हूँ और फिर आपको 45 मिनट से एक घंटे के अंदर दोबारा दिखाता हूँ। ये मैंने देखे अब इसको निकाल के चेक किया है ओवन से तकरीबन 40 मिनट्स में, तो ये इतनी ज्यादा गल चुकी है। तो अब हम ये करेंगे कि इसको खोल के अब जो है वो मैंने इसको अल्मीनियम फॉइल उतार दिया अब इसका, अब मैं इसको खोल के जो है वो थोड़ी देर रखूंगा, और 400 मैंने फ़ारेनहाइट के ऊपर रखा हुआ है ओवन, तो इसको मैं अभी दोबारा से 400 पे ही रखूंगा ताकि जो है वो थोड़ा सा ये पानी इसका ड्राई हो जाए, और फिर जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अब हमारी सब्जी जो है वो बिल्कुल रेडी है, इसको हमने अच्छे से जो है वो बेक कर लिया। अब ये मसाला जो मैंने आपको बताया था कि ये मैंने पीस के और ये बोल डिब्बे में भर के रख लिया, तो इसी तरह से आप भी इसको डिब्बे में भर के रख लीजिए, ये बहुत काम आता है। जब भी आप सब्जी बनाएं या कोई फ्राइड चिकन इस टाइप की कोई चीज बनाए तो उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये अब हम इसके अंदर अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे इस मसाले को आगे पीछे हर जगह, और फिर मैं इसको अल्मीनियम फॉयल दोबारा लगा के थोड़ी देर के लिए दोबारा ओवन में रखूंगा ताकि ये मसाला अच्छे से इसमें जज्ब हो जाए, और फिर कोयले की धुनी दूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख लीजिए मैं अब इसके अंदर कोयले का एक हमें वो देना था, फ्लेवर देना था, वो मैं इसमें दूंगा। इसमें हल्का सा हम ये तेल टपकाएंगे ताकि ये धुआं करे, और फिर इसको ऐसे दोबारा से हम ऐसे ढक देंगे, और अब हमने इसका वेट करना है ताकि ये धुआं सेटल हो जाए, और फिर मैं आपको इसको डिश आउट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। हमने इसमें कोयले की धुनी दी थी वो देखिए आप हो गई है, ये देखिए तो हमारी सब्जी जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसको मैं अब डिस्कार्ड कर दूंगा जो ये मैंने रखा था, और इसका जो मैंने आपको मसाले का बताया था, आपको अगर याद हो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में दिखाया था कि सूखा साबित धनिया, जीरा, काली मिर्च, वो तीन चीज़ों को हमने भूनना था, और भून के फिर बारीक बिल्कुल पीस लें या मोटा मोटा पीस लें वो आपकी मर्जी है, और फिर उसके अंदर आपने जो है वो सौंठ जो सूखी अदरक होती है पिसावा पाउडर, वो काला नमक और आमचूर पाउडर, वो सब मिक्स करके वो पाउडर बनता है जिसको हम सब्जी का मसाला कहते हैं। ये मैंने ऊपर से वही डाला, ये आप जब सर्व करें तो आप इसके साथ सर्व करें और इसके ऊपर आप डिश आउट करते हैं उसके ऊपर रख के। तो मैं इसको डिश आउट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, और फिर हम इसको एंड करते हैं। ये देख लीजिए कि हमने जो है वो बना के सब्जी रख दी है, और मसाला मैंने इसके अंदर भर के रख लिया है, तो जब आप इसको सर्व करें तो थोड़ा थोड़ा सा ये साइडों में भी इस तरह से डाल दीजिए ताकि जो है वो मसाला जो है इसके अंदर साइडों में भी आ जाए, और यह आपको मैं जो हूँ वो इस तरह से इस पे स्प्रिंकल कर दूंगा ताकि ये जब लोग इसको लें तो साथ में उनको इसके अंदर भी थोड़ा सा सब्जी का मसाला फील हो। तो और ऊपर से आप हल्का सा और डाल दीजिए, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मक्खन भी पिघला के डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, उससे थोड़ी सी हैवी हो जाती है, लेकिन जो है वो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारी सब्जी तैयार है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये रेसिपी बड़ी ईजी है, बहुत आराम से बन जाती है, थोड़ा सा बस इसके अंदर स्टेप्स होते हैं, उसको आप फॉलो करें, मसाले आप बिल्कुल वही वाले डालें जो मैंने आपको बताया है, तो ये बहुत मजे की सब्जी बनती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखिए। तो आपसे अगली रेसिपी में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।